Good morning, dear students. Today we will start lesson 3, part 2, Shikha Wish. Start करते हैं बच्चों, last video में हमने आपको शिखा के बारे में बताया था. शिखा की जो मम्मा हैं वो टेबल पर एक प्लेट में इडलीज लेके आती हैं, क्योंकि शिखा को इडलीज बहुत पसंद है ना. शिखा इडली खाती है और उसे वो बहुत अच्छी लगती है. वो कहती है, दिस इज़ सो वंडरफुल, ये सारी इडली मैं ही खाऊंगी और जो बच जाएंगी वो कोई और नहीं खा सकता, क्योंकि अब तो घर में कोई है ही नहीं. इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है. जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है, क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है, जब वो अपने कबर्ड खोलती है तो वहाँ पर सारी न्यू ड्रेसेस होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. और जब वो अपने शूज़ देखती है वो भी न्यू होते हैं, और जो बालों में रिबन लगाए जाते हैं वो भी इसके नए होते हैं, और ये खुश हो जाती है. इसके जो टॉयज़ हैं ये भी सारे नए हैं. ये कहती है, दिस इज़ ग्रेट, और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है. जब आपको सारी चीज़ें नई मिलें तो आप भी खुश हो जाओगे ना, इसीलिए शिखा भी बहुत खुश हो जाती है. वो कहती है, अच्छी बात है, ना तो मेरा कोई भाई है ना ही मेरी कोई बहन, मेरा कोई सामान भी नहीं छेड़ेगा. अब वो रेडी हो जाती है स्कूल के लिए और वहाँ स्कूल जाती है, क्योंकि आज उसका रिपोर्ट कार्ड डे है. जब वो स्कूल से घर लौटती है तो वो अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर आती है, क्योंकि उसे A+ मिला है. लेकिन उसको घर में तो कोई भी नहीं नज़र आता, क्योंकि उसके घर में अब कोई है ही नहीं. उसकी जो मम्मा हैं वो वर्क कर रही होती हैं, उसके जो फादर हैं वो बाहर गए होती हैं. वो दोपहर में अकेली रहती है. वो अपने टॉयज़ के साथ प्ले करती है, लेकिन उसे वो मज़ा नहीं आता जो अपने भाई बहनों के साथ आता है. वो सोचती है, काश मेरा भाई राज होता जिसके साथ मैं खेल पाती, काश मेरा भाई मदन होता जिसके साथ मैं बास्केटबॉल खेल पाती, काश मेरा भाई जय होता जिसके साथ मैं राइड बाइक कर पाती, बट अब तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, काश मेरी फैमिली दोबारा आ जाए. वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उन्हें याद करती है. वो अपनी नींद से उठ जाती है, क्योंकि वो एक सपना देख रही थी ना, इसीलिए. वो देखती है कि मेरे भाई बहन टेबल पर आराम से बैठे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. तब वो स्माइल करती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ये भाई और बहन हैं, ये मेरी प्यारी सी फैमिली है, मुझे अब कभी भी कंप्लेन नहीं करनी है. बच्चों, हम अकेले कभी भी नहीं रह सकते हैं. हमें हमारे भाई बहन के साथ जो हमारा प्यार होता है वो हम किसी और के साथ भी नहीं शेयर कर सकते. क्या हम टॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं? क्या टॉयज़ हमारे साथ बातें करते हैं? नहीं करते हैं ना, इसलिए हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. थैंक यू.